हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? शिल्पकारी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और लोहे कार्य भी करते हैं। उपरोक्त तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि और पशुपालन के अलावा ये सब भी कार्य करते हैं कृषक लोग। जनजातीय समाज के लोग नहीं होते हैं, जनजातीय समाज के लोग जो है वो अधार्मिक नहीं होते हैं, वो धार्मिक परंपराओं को बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं। पहला ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुदलियार समिति का संबंध किससे है, जल्दी बताओ। मुदलियार समिति, तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं वियोजन पर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नोमोथेटिक आगाम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, जल्दी बताएं। सामान्य नियमों की स्थापना करना, बिल्कुल। वैज्ञानिक अनुभव सब पद्धति की स्थापना करना और परिणाम शोध प्रविधियों को देखना। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। CH हनुमंता राव समिति का संबंध किससे है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा जिला नियोजन पर कार्यदल से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, तो सही आंसर प्रारंभिक स्वरूप था आपका प्रतिसत्यात्मक, लेकिन अब संयुक्त परिवार हो गया है। फिलहाल आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूजफुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी, तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है परचेस करना पड़ेगी, ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल से प्रारंभ हुई थी, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है, तो नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समानीत तल को उठाने और गिराने की विधि निम्नलिखित में से निम्नलिखित का परीक्षण करती है, किसका परीक्षण करती है, अग्रावलोकन का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होती है, जल्दी बताओ, सबसे ज़्यादा। सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जो एक समिति या सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है और हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन GDH कोल का है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्लेन टेबल टेनिस के विधियों की स्थिति का निर्धारण करता है, किस विधि के द्वारा,
अंतर छेदन विधि और ट्राउसिंग विधि दोनों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 1975 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। समतल कोण तथा ऊंचाई के कोण की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये थियोडोलाइट से करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। भीतरी जल निकास में भूमिगत नालियों बनाई जाती हैं, नालियां बनाई जाती हैं किस प्रकार की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, पत्थर की नालियां बनाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे समुदाय कहा जाता है? ग्राम को समुदाय कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना रखना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 8 वर्ष का। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बमरोली, प्रयागराज में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर 2005 को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये मैंने जो आपको बढ़ाया ना, ये उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष, ये बढ़कर के 8 वर्ष हो गया, नहीं तो आप सोचो कि 8 वर्ष कैसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो बता दिया 14 सितंबर 2005 को। असत युगों की पहचान करना है, जो असत युग में उसी की आपको पहचान करना है। नटवरी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही असत्य है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। पहला ऑप्शन करेक्ट। संविधान में पंचायतों का प्रावधान है, अनुच्छेद 243 का से 243 ण तक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गांव रजिस्टर किसके द्वारा तैयार कराया जाता है? कलेक्टर के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन से आपका, कि कौन सा युग्म सम्मिलित तो नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो दोस्तों ये थे आपके 25 ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।